Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. गुरु में ज्ञानंद मा पतिया के नाम आज जीव ने कलम शरमन के नाम शरम मन के नाम प्रभु लगाई बट मांगे देश बड़ा किश बड़ा किश अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद वेत् अधश्च उधर्वं प्रसतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबन्धिनि मनुष्यलोके न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादेर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतानां निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणि निर्मान मोहाचित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगय गच्छन्ति मूढ़ा पदम व्ययम् तद् न तद्भास्यते सूर्यो न शशंको न पावक यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन
मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वापनोति यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वर गृहीत्वा एतान् संयाति वायुर्गन्धान् वाशयत् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिश्चाय मनश्चाय विषयानुपं सेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मावस्थितं यतन्तो अपि कृतात्मानं नयनं पश्यन्ति चेतसं यदा दित्यं गतं तेजो जगद् भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजस पुष्णामि चाषधि सर्वं सोमो भूत्वा रसात्मकम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणीनां देहमाश्रित प्राणापानसमायुक्तं पचा अन्यं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदवित एव चाहं द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरुच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्नं परमात्मेत्युदारः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्ति अव्ययीश्वर यस्मात् अक्षरतीतोऽहं क्षरादपि च उत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम यो मामेवं सम्मूढ जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नव एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतश्च भारत हरे कृष्ण ठीक है 5000 वर्ष पूर्व जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों का युद्ध होने वाला था तो पांडवों की ओर से सर्वश्रेष्ठ महाधनुर्धर जो भगवान श्री कृष्ण के रथ पे आरूढ़ थे उन्हें कुछ हो गया और उन्होंने भगवान से कहा कि वह उनकी मदद करे। यह उस समय का दृश्य है, देखिए आगे क्या होता है। हे कृष्ण, हे माधव, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन के सहित और कौन कौन यहाँ मेरे साथ युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए हैं। अभी ले चलता हूँ पार्थ, अभी ले चलता हूँ। लो पार्थ, रणभूमि का मध्य तो आ गया है। अर्जुन चारों तरफ देख रहा था, उसे दिखाई दे रहे थे अपने ही लोग, अपने ही गुरुजन, अपने ही भाई, अपने ही बेटे, अपने ही साले, अपने ही ससुर, अपने ही देवर। ये दृश्य देखकर वह विचलित हो गया। हे कृष्ण, ये सभी तो मेरे अपने हैं, मैं इन पर वाण कैसे चलाऊंगा? यह मेरे पितामह भीष्म, इनकी ही गोद में मैं पला बड़ा हुआ हूँ, इन पर मैं उलटकर वाण कैसे चलाऊंगा? केशव, ये मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने मुझे अथाह ज्ञान का भंडार प्रदान किया, इन पर मैं वाण नहीं चला सकता। केशव, ऐसे महापुरुषों को मारने की अपेक्षा तो भीख मांगकर खाना मैं श्रेयकर समझता हूँ। हे कृष्ण, मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैं इस भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए लड़ रहा हूँ। विपथुश्च शरीरे मेरो महर्षश्च जायते गांडीवं संस्रते हर्षात्वच्च एव परिदायते न च शक्नोमि अवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव।
हे कृष्ण, मेरा गला सूख रहा है, मेरे रोंगटे कांप रहे हैं। हे कृष्ण, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है। हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्यजुष्टं अस्वर्ग्यं अकीर्तिकरम् अर्जुन क्लेब्यं मा स्मगमा पार्थ न त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, इस विकट स्थिति में तुम्हारे अंदर ये कलमश आया कैसे? यह उस व्यक्ति के लिए तनिक भी उचित नहीं है जो अपने जीवन के मूल्य को जानता हो। तुम इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुम इस क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। परंतु हे कृष्ण, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना धैर्य खो चुका हूँ। मैं ये नहीं जानता कि मेरे लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसलिए मैं ये युद्ध करने में अभी भी असमर्थ हूँ। हे कुंती पुत्र, तुम कौन हो? हे कृष्ण, मैं द्रोणा। हे कृष्ण, मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूँ। और मैं गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। और मैं क्षत्रिय हूँ। तो इन सभी बातों से यह पता लगता है कि तुम क्षत्रिय हो, क्योंकि तुम अगर क्षत्रिय ना होते तो तुम द्रोण शिष्य भी ना होते। सुनो, ये जो भीष्म पितामह जिन्हें तुम शरीर मान रहे हो और स्वयं अपने को भी तुम शरीर मान रहे हो, वह सब शरीर नहीं आत्मा है। अब मैं तुम्हें आत्मा और शरीर के बीच अंतर बताऊंगा। सुनो, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरः प्राप्तेत धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापाई नो नित्यं तान्ते तिक्षस्व भारतम् न जायते नियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वान भूयम् अजो नित्य शाश्वतम् अयम् पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। हे परंतम, यह आत्मा नित्य इस शरीर में बाल्यावस्था से कौमार अवस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर करता रहता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होते हैं। अपने जीवन में सुख दुख का आना जाना और कालक्रम में उनका अंतर्धान होना उसी प्रकार है जिस प्रकार सुख ग्रीष्म तथा उष्ण की ऋतुएं आती जाती हैं। यह आत्मा नित्य शाश्वत पुरातन अजन्मा है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयानि संयाति नवानि देहि नैनं छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्तयापो न शोषयति मारुतम। हे परंतप, जिस प्रकार एक व्यक्ति पुराने तथा व्यर्थ वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा व्यर्थ तथा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों में परिवर्तित होता है। धीर व्यक्ति को ऐसे परिवर्तनों से मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। परंतु हे कृष्ण, मेरा तो अभी भी हाथ गांडीव की ओर नहीं बढ़ रहा है। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये युद्ध करने से क्या लाभ होगा। भला अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं कृष्ण? जातस्य ही ध्रुवर मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे कुंती पुत्र, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। यह एक ध्रुव सत्य है। यह भीष्म पितामह पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि यह एक आत्मा है और आत्मा नित्य शाश्वत पुरातन तथा अजन्मा है। यह सब अव्यक्त कहलाता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तामन्नानि भारत
अव्यक्ता निधनान्यवा तत्र का परिदेवना। जब ये सब अपनी प्रथम स्थिति में होते हैं तब ये सब अव्यक्त होते हैं, परंतु जब ये अपनी मध्यम स्थिति में पहुँचते हैं तब ये व्यक्त हो जाते हैं, और जब ये अपनी अंतिम अवस्था तक पहुँचते हैं तब ये पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। परंतु हे जनार्दन, इन सभी को मारने पर मुझे जो पाप लगेगा उसका क्या केशव, उसका क्या? हतो वा प्राप्तसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं अवाप्स्यसि। हे कुंते पुत्र, अगर तुम इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए तो तुम्हें स्वर्ग का भोग मिलेगा, और अगर तुम इसी युद्ध में विजयी हुए तो तुम्हें इस धरती का आनंद मिलेगा। अगर तुम सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब में सम रहोगे तो तुम इस पाबंधन से अवश्य मुक्त हो जाओगे, अवश्य मुक्त हो जाओगे। भगवान के ये वचन सुनकर अर्जुन को कुछ सांत्वना मिली, परंतु ये एक ऐसा अवसर था जब भगवान का ज्ञान अर्जुन को बहुत प्रिय लगने लगा, इसलिए अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा को और अधिक बढ़ाया। हे गोविंद, मैं जानना चाहता हूँ कि कर्म किस प्रकार किया जाए, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, तो मैं ये कैसे जानूं कि कर्म किस प्रकार का किया जाए? यदि आंखें हैं तो वे अवश्य देखेंगी, और पलके हैं तो वे अवश्य झपकेंगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा कुंती पुत्र, आंखें हैं तो अवश्य वे देखने के लिए विवश हैं, और पलके हैं तो वे अवश्य झपकने के लिए विवश हैं। वो तुम्हारी आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भो मा ते संगोस्त कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दुःखेषु उद्विग्न मना सुखेषु विगत स्प्रिया वितराग भय क्रोधात् स्थितधीर मनोरुच्यते। हे कुंती पुत्र, कर्म करना तुम्हारे वश में है, परंतु कर्म फल तुम्हारे वश में नहीं है। जिस प्रकार तुम आखेट पर जाते हो तो दृष्टि भी तुम्हारे वश में है और धनुष अनुसंधान भी, परंतु जो तुम्हारे समक्ष मृग है वह तुम्हारे वश में नहीं है। स्थित प्रगस्य का भाषा स्मादिस्तस्य केशव सिद्धि किम प्रभाषित किम आसीत व्रजित किम। हे माधव, जिस प्रकार विद्वान अपने गुणों के द्वारा जाना जाता है कि वह विद्वान है, उसी प्रकार रोगी के भी कुछ लक्षण होते हैं जिनके द्वारा वह जाना जाता है कि वह रोगी है। इसी प्रकार हे केशव, मुझे बताइए कि अध्यात्म लीन व्यक्ति के कैसे लक्षण होते हैं, वह कैसे उठता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य तद उच्यते। दुःखेषु उद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोधात् स्थितधीर मनोर उच्यते। यदा संहर्ते चायम कुर्मा अंगानि सर्वशम इंद्राणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे कुंती पुत्र, जो दुख में विचलित नहीं होता और सुख में अधिक हर्षित नहीं होता वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ जब बैठता है तो कछुए की तरह बैठता है। जब कछुआ देखता है कि कोई खतरा आ रहा है तब वह अपने अंगों को सिमेट कर बैठता है। इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ भी जब देखता है कि कोई इंद्रिय भोग आ रहा है तो वह अपनी इंद्रियों को संयम में रख लेता, संयम कर लेता है। और ये नहीं है कि स्थित प्रज्ञ को भूख और प्यास नहीं लगती, उसे भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है, परंतु वह भूख और प्यास से परे की बात करता है और वह अपनी इंद्रियों को विचलित नहीं होने देता। हे माधव, आप मुझे सकाम कर्मों में क्यों लगाना चाहते हैं, जबकि सकाम कर्म तो बंधन का कारण है। अतः निष्काम कर्म कैसे संभव है, क्योंकि अगर दृष्टि फल से ही हट जाएगी तो कोई कर्म क्यों करेगा केशव?
लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नः ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे परंतप, तीनों लोकों में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो मुझे करने की आवश्यकता पड़े और तीनों लोकों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त न हो, परंतु फिर भी मैं कर्म करता हूँ दूसरों को सिखाने के लिए तथा आदर्श स्थापित करने के लिए। हे माधव, इस संसार में कोई भी व्यक्ति पाप कर्म नहीं करना चाहता, फिर भी वह पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त होता है? उसे कौन बलवता पूर्वक पाप कराता है, उसे कौन विवश करता है? केशव, हे पार्थ, तुम नियत कर्म करो। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही कर्मणा शरीर यात्रा अपि चते न प्रसिद्धयेत कर्मणा यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल वशय भुंजते ते त्वगम पापात् ये पचन्ति आत्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। हे कुंती पुत्र, अगर तुम मुझे अर्पित किए बिना कुछ भी खाते हो तो तुम चोर हो और घोर पापी। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान वनब्रे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे ब्रह्म। हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं कि आपने ये योग का ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया? लेकिन आपने तो आधुनिक काल में जन्म लिया है, जबकि सूर्यदेव ने तो प्राचीन काल के हैं। तो मैं ये कैसे मान लूं कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया? बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहम वेद सर्वानि न त्वं वेत्थ परंतप। हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, अंतर बस इतना ही है कि तुम्हें वे सब जन्म याद नहीं और वे सब मुझे याद है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे कुंती पुत्र, जब जब धर्म की हानि होती है और जब जब अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। हे जनार्दन, ज्ञान को कौन प्राप्त कर सकता है, कृपया मुझे बताइए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। हे कौन्तेय, केवल श्रद्धावान ही दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और जिसने दिव्य ज्ञान को समझ लिया वह आध्यात्मिक शांति को अवश्य प्राप्त कर सकता है। हे केशव, अब मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए मुझे, क्योंकि माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति के लिए उत्सुक रहते हैं। शांति, शांति तो सभी को चाहिए, परंतु इनमें से एक भी नहीं जानता कि शांति कहाँ मिलती है। सुनिए, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋक्षते। हे कौन्तेय, जो ये जान लेता है कि मैं ही तीनों लोकों का भोक्ता तथा महेश्वर हूँ, वह मेरी परम शांति को अवश्य प्राप्त करता है, अवश्य प्राप्त करता है। हे भगवान, आप पर ब्रह्म हैं, अनंत हैं, शाश्वत हैं, दिव्य हैं, परंतु मैं आपके बारे में कैसे जानूं, आपको कैसे पहचानूं? कृपया अपने बारे में मुझे विस्तार से बताइए। इतना सुनने पे अर्जुन ने भगवान से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ ही लिया। उसने पूछा, हे प्रभु, आप मुझे ये बताइए कि मैं आपको बिल्कुल सही से कैसे जान सकता हूँ? उस रहस्य को प्रकट करें प्रभु, उस रहस्य को प्रकट करें। तब भगवान कृष्ण ने यह बहुत ही रहस्यमयी बात बताई। अहम आत्मा गुड़ा केश सर्वभूताशय सता अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचिर मरुतामस्मि
नक्षत्राणाम अहम शशि, वेदानाम साम वेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासव, इंद्रियाणाम मनश्च अस्मि, भूतानाम अस्मि चेतना, मत्तः परतरं नान्यत् किश्चित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं सूत्रे मणि गणा इव, रसो अहम अप्सु कौन्तेय, प्रवा अस्मि शशि सूरयो, प्रणव सर्ववेदेषु, शब्दखे पौरशमनेषु, प्रह्लादश्च अस्मि दैत्यानां, कालः कल्यतामहं, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं, वैनतेयश्च पक्षिणां। हे कुंतीपुत्र, मैं तो कण कण में बसा हूँ, अगर मैं इस संसार से हट जाऊँ तो यह संसार उसी प्रकार बिखर जाएगा जिस प्रकार एक माला में से धागा निकाल दिया जाए तो सारी मणियाँ बिखर जाती हैं। मैं दैत्यों में प्रह्लाद हूँ, ऋषियों में वासुदेव हूँ और पांडवों में धनंजय हूँ। हे माधव, आपने मुझे ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग सभी के बारे में विस्तार से बताया, परंतु हे केशव, अब मुझे संक्षेप में बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयकर है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्य से सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, सर्व धर्मान परित्यज्य मामे कम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षे श्यामी मा शुच। हे कुंती पुत्र, अगर तुम मुझे नमस्कार करते हो, मेरी पूजा करते हो, मन मना मेरे मन वाले बनते हो, अगर तुम ये दृढ़ता पूर्वक ये सब काम करते हो तो तुम निश्चित रूप से, मैं ये वचन देता हूँ कि तुम निश्चित रूप से मेरे परम धाम को प्राप्त करते हो। तुम सभी धर्मों का त्याग करके केवल केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करके सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। और हे कुंती पुत्र, तुम डरो मत, तुम डरो मत, या इदम परमं गुह्यं मत भक्तेषु अभिदास्यति, भक्ति मयि परां कृत्वा मामे वैश्यस्य संचय, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चन मे प्रियकृत्तमा भविता न च मित्रस्मात् अन्यत् प्रियतरो भुवि। हे कुंती पुत्र, जो यह अगर तुम इस परम रहस्यमयी ग्रंथ को किसी और को बताते हो तो मैं इससे बहुत प्रसन्न होता हूँ, बहुत प्रसन्न होता हूँ, और तुम मेरे इससे अतिशय प्रिय भक्त बनोगे। भगवान ने ये बात बता दी कि सब छोड़कर उनकी शरण में आने से ही परम कल्याण हो सकता है, और जो भी व्यक्ति इस पथ का अनुसरण करता है वह भगवान को अति प्रिय है। यह बात समझने पे अर्जुन ने कहा, हे लक्ष्मीपति श्री कृष्ण, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया है, आपके अनुग्रह से मेरी स्मृति वापस आ गई है, अब मैं संशय रहित और दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। और इस प्रकार इस महाभारत के युद्ध का प्रारंभ इस गीता के बाद हुआ। अर्जुन में नया जोश, नया ज्ञान और नई भक्ति का संचारण हुआ, और अर्जुन इतनी महानता से लड़ा कि उसने सभी पापियों का नाश किया, और इस ज्ञान ने आने वाले समय तक सभी को ज्ञान से भर दिया और अनेकों लोग भगवत धाम को प्राप्त हुए इस ज्ञान का अनुसरण करके। बोलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे बोलू। हरे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम,
हमारे बारे में बहुत चिंतित रहते हैं। ऐसे ही एक महान ऋषि देव ऋषि नारद, जिन्हें हमारी बहुत चिंता है, वह कुछ विचार कर रहे थे। नारद मुनि पृथ्वी लोक पर घूम रहे थे और बड़े चिंतित थे। ओहो नारायण नारायण, इस कलयुग में कितने दुखी लोग हैं, क्या इनका कोई कल्याण नहीं कर सकता? मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है। नारद मुनि को अपने पिता की याद आई और उन्होंने अपने पितामह को याद किया। हे परम पिता, प्रकट होइए। उनकी पुकार सुनकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए और उन्होंने पूछा, माइक में बोलिए। आयुष्मान भव पुत्र, तुमने मुझे याद किया? जी पिता। पिता जी। क्या समस्या है पुत्र? इस कलयुग में कितने दुखी लोग हैं, क्या इनका कल्याण करने के लिए कुछ नहीं हो सकता? तुम ठीक कह रहे हो पुत्र, इस कलयुग में तो सभी चिंतित हैं, सभी परेशान हैं। मैं तुम्हें एक वृतांत सुनाता हूँ जिससे तुम्हारी सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी। ब्रह्मदेव नारद मुनि को एक वृत्तांत सुनाने लगे। उस वृत्तांत के अनुसार सतयुग के समय का एक दृश्य है। एक स्त्री बाजार में जा रही थी, तभी उसे एक फोन आता है। हेलो, हाँ मैडम, हम आपके घर से बोल रहे हैं, क्या आप अपने घर में हैं? मैं मार्केट में हूँ। अच्छा मैडम, हमें आपसे मिलना है, तो हम आपके घर में आपका इंतजार कर रहे हैं, तो क्या आप आ रही हैं जल्दी? नहीं, मैं लेट आऊँगी। अच्छा आप लेट आएंगी, तो हम क्या रुकें या चले जाएं? चले जाओ। अच्छा अच्छा आप ठीक है मैडम। ये लो, ये लो, ये लो। कितने पैसे हुए? 5,000 रुपए हो गए। बस इतने? हाँ इतने ही। वह जब पैसे देने लगी तो उसने देखा कि उसके पास उसका पर्स ही नहीं है। वह ढूंढने लगी। अरे माता जी जल्दी पैसे दो ना। वो कहने लगी, रुक जा भाई, पैसा तो बहुत है, तेरे मुंह पे मारूंगी, पर मेरा पर्स कहाँ है? तभी एक बालक जिसका नाम अजामिल था दौड़ता हुआ गया और उसने कहा, मैडम ये पर्स आपका है? मेरा पर्स है। हाँ हाँ, ये पर्स मुझे वहाँ पे पड़ा हुआ मिला जहाँ आप फोन पे बात कर रही थी, तो देख लीजिए सब ठीक है। मैडम बहुत खुश हुई, उसने इसमें से कुछ पैसे निकाल कर उसको दिया। अजामिल ने कहा, नहीं नहीं, ये तो मेरी सेवा है, मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा। नहीं 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 माता जी, ये हमारा कर्तव्य है। फिर भी उन्होंने जबरदस्ती उसे कुछ पैसे दे दिए। अजामिल उसे लेके अपने घर लौट आया। धन्यवाद। अजामिल धीरे धीरे उसको लेकर, पैसे को लेकर अपने घर गया और अपनी माँ के पास पहुँचा और उसने कहा, माँ माँ देखो मेरे पास कुछ पैसे हैं। अरे बेटा ये कहाँ से लाए? माँ मैं बाजार में था तो वहाँ पे मुझे ये पैसे एक माताजी ने दिए,
जिनका पर्स मैंने वापस किया। पर बेटा तुम्हें ये पैसे नहीं लेने चाहिए थे, मैं तो तुम्हारा धर्म था। नहीं, मेरा धर्म मैं जानता हूँ, पर मैंने इसलिए लिया क्योंकि क्योंकि उन्होंने बहुत जोर किया, मैं नहीं लेना चाहता था। चलो ठीक है बेटा, अब ले ही आयो तो जाके भगवान के लिए कुछ मिठाई ले आओ और उन्हें भोग लगा दो। ठीक है माँ, ये बहुत अच्छा है, मैं भगवान के लिए कुछ मिठाइयाँ लेके आता हूँ। वह गया और उसने भगवान के लिए मिठाई खरीदी और फिर उसका प्रसाद बना के सभी को बांटा। सब नीचे आ जाइए। इस प्रकार अजामिल धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसमें बहुत अच्छे अच्छे संस्कार थे, परंतु युग का असर, धीरे धीरे अजामिल बड़ा हो गया। उसका विवाह हुआ। वह एक बार बाजार में घूम रहा था और कई प्रकार की शॉपिंग कर रहा था। कभी वह जूतों से आकर्षित होता, कभी वह कुछ चमकीली चीज़ों को देखता। देखते देखते, आगे बढ़ते बढ़ते, उसका मन इन रजोगुण और तमोगुण की वस्तुओं को देखकर बड़ा ही चंचल हो गया और वह एक क्लब में पहुंचा, जहां बाहर से उसे कुछ नाचने का दृश्य दिखने लगा और फिर वहां पर उसे कुछ नृत्य दिखाई दिया, कुछ सुनाई दिया और वह उसे बड़े ध्यान से देखने लगा। उस नृत्य पे मस्त हो गया और वो देखता रहा। अजामिल भूल गया कि वो एक ब्राह्मण है, उसे अरे क्या दोस्त, इस क्या प्रकार देख रहे की हो? चीजों में ध्यान नहीं देना चाहिए। ये लड़की तो बहुत अच्छा नृत्य कर रही है। और वह अपने मित्रों से मिला जो उसके बहुत बदमाश जानने वाले थे। अरे ये लड़की तो बहुत अच्छा नाचती है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा नाचती है। नाम क्या है इसका? इसका नाम प्रिथा है। प्रिथा, तो क्या इसे किसी नौकरी की तलाश है? हाँ, इसे एक नौकरी की तलाश है और ये बहुत गरीब भी है। तो क्या मैं इसे अपने घर रख लूँ? हाँ हाँ जरूर। अजामिल का मन उस पे आया, उसने इसका पूरा लाभ उठाया। उसने उस स्त्री को कहा, सुनो तो जरा इधर तो आओ। क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने सुना है तुम्हें एक नौकरी की तलाश है। मुझे तो हमेशा ही नौकरी की तलाश होती है। ये बता रहा था कि तुम काफी गरीब हो और तुम्हें पैसे की भी जरूरत है। हाँ तो? तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? उसमें तो मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, तो चलो मेरे घर चलते हैं। चलिए। अजामिल उसे बहका कर अपने घर ले आया और वह स्त्री भी ऐसी ही थी कि वह हर धनवान पुरुष के घर जाना चाहती है। तो देखो ये है मेरा घर, कितनी आलीशान और बड़ी दीवारें हैं, कितनी बड़ी चीज़ें हैं। वो मेरे माता पिता का कमरा है और वो मेरा। तुम्हारा काम ये है कि तुम इस घर की सुपरवाइजर हो, तुम्हें इस पूरे घर का ख्याल रखना है और साथ साथ हमारा भी। ठीक है, अब तुम एक काम करो, तुम वहाँ जाके थोड़ा आराम कर लो। अजामिल अपने घर में ही था और तभी अजामिल की माँ, जो काफी बूढ़ी हो चुकी थी, वह आई। अरे बेटा अजामिल, कैसे हो? अरे माँ आइए बैठिए। अरे बेटा ये कौन है? माँ ये हमारी नई ध्यान रखने वाली है। वो सरस्वती काफी बूढ़ी हो गई थी और उसका शरीर भी ठीक से नहीं चलता था, इसलिए मैंने इसको रख लिया। पर बेटा इसके कुछ चाल डाल ठीक नहीं लगते। माँ आपको आज तक मेरी कोई भी बात ठीक लगी है? हमें अपने काम से मतलब रखना चाहिए, ना कि किसी के रंग या रूप से। पर बेटा मैं तो कह रही थी कि कोई सीधी सादी ले आते। आप उठिए उठिए, आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। आप जाइए। बेटा मेरी बात तो सुनो। जाइए। अजामिल ने अपनी माँ को
उनके कमरे में भेज दिया और वह तब अजामिल की स्त्री उन तक पहुंची और वह कहने लगी, सुनो जी, बड़े दिन हो गए हैं, अब आप परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं, तुम क्यों आ गई? जाओ अपने कमरे में काम करो अपना। पर बताइए तो सही, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे कहा ना, कुछ नहीं हुआ, अपने कमरे में जाओ। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अपने पिताजी के घर जा रही हूँ। ए प्रभु बचा लो मुझे इस औरत से, तो आई ही क्यों थी वहाँ से, वही रह जाती। मैं जा रही हूँ, मैं अब कभी नहीं आऊंगी। जाओ निकलो यहाँ से। अपनी पत्नी पे क्रोध किया और उसे घर से निकाल दिया। अरे प्रथा, तुम मेरे पास आके बैठो। और उसने उस स्त्री को जो उसे वो एक क्लब से लाया था अपने पास बिठाया। तभी उसकी पत्नी को याद आया कि वह अपना फ़ोन भूल गई है। वह तुरंत घर में आई और जब आके उसने देखा कि प्रथा उसके बगल में बैठी है, वह बहुत जोर से रोने लगी। हाय राम, ये क्या हुआ? मेरे जाते ही आपने इस नौकरानी को अपने साथ बिठा लिया। अब तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, हमेशा के लिए जा रही हूँ। तुम क्यों जाओगी? मैं और प्रथा ये घर छोड़ के चले जाते हैं, चलो। अजामिल उस स्त्री को लेके वहाँ से निकल गया और इस तरह अजामिल का प्रवेश पाप के घर में हो गया। वह उस स्त्री के वहाँ जाके रहने लगा जो चाल चलन से बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ये लो। और वह अपने मित्र के साथ वहाँ ताश खेलता, जुआ खेलता और प्रथा भी उसे अपने रंग में रंगने लगी। अरे वाह। और उसे बहुत शराब पिलाती। अरे वाह, तुम तो बड़ी देर से जीत रहे हो, अब बताओ क्या निकालूं? अरे यार चलो 10 नंबर ही निकाल दो। अरे ये क्या, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, तुम फिर से जीत गए। हेलो, हाँ मैं इंस्पेक्टर चौकीदार बोल रहा हूँ। आपको क्या काम है? मुझे अजामिल से बात करनी है। काम क्या है? फोन अजामिल को दो। सुनिए जी, किसी इंस्पेक्टर साहब का फोन है। अरे यार ये भी दिमाग खाते रहते हैं। इंस्पेक्टर चौकीदार बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, हाँ, तुम्हारा नाम अजामिल है? हाँ तो। हाँ सुनो अजामिल, तुम्हारे नाम पे बहुत कंप्लेन है, तुमने किसी सोहन लाल से पैसा लिया था। सोहनलाल? हाँ हाँ, सोहनलाल से तुमने बहुत पैसा लिया है। सोहनलाल मुझे कहता है कि उसका पैसा वापस दिलवाइए। तो सुनो, तुम जब पैसा लेते हो तो पैसा वापस क्यों नहीं करते? अरे मैंने कोई पैसा लिया ही नहीं है। अरे कैसे पैसा वापस नहीं लिया? हेलो? नहीं लिया। हेलो? पैसा वापस करो। हेलो, क्या तुम्हें साहब, मुझे आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। हेलो, मुझे आवाज ठीक से नहीं आ रही इंस्पेक्टर साहब। कैसे आवाज नहीं आ रही? अरे मुझको तो तुम्हारी आवाज सुनाई देती है। आपको देती है सुनाई? हाँ हाँ बिल्कुल साफ साफ सुनाई देती है। तो इंस्पेक्टर साहब आप एक काम कीजिए, आप ही वो पैसा लौटा दीजिए। हाँ? अजामिल और इस बीच अजामिल के प्रथा से कई पुत्र हुए और उनमें सबसे छोटा पुत्र नारायण जिसे अजामिल को अति प्रेम हो गया। अरे नारायण इधर आओ, मेरी गोदी में बैठो। हर समय उसे नारायण का ध्यान रहता। तो बताओ नारायण क्या खा रहा, कैसे है, होता हूं? कैसे पढ़ रहा है, क्या उसको पसंद है। इस तरह 10 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र नारायण से उसे अति प्रेम हुआ। लेकिन समय के साथ अजामिल 90 साल का हो गया और बहुत बूढ़ा हो गया। तब वह अपनी मृत्यु शैया के पास पहुंच गया। और मृत्यु के निकट पहुंच गया और समय आ गया। जी,
मृत्यु के समय दो यमदूत उसके सामने प्रकट हुए और वह यमदूत आपस में बात करने लगे। नारायण, अरे बहुत दिन हो गए हैं, किसी पापी व्यक्ति को हमने उसके पापों का दंड नहीं दिया है। हाँ हाँ, बहुत दिन हो गए, मैंने भी कई दिनों से किसी पापी की चटनी नहीं बनाई। चलो लिस्ट में चेक करते हैं आज किसका नंबर। आज तो सबसे पहले अजामिल का नाम है। ये अजामिल कौन है? अरे वही अजामिल जिसके पापों की वजह से यमलोक के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्रश हो गई थी। अच्छा अच्छा, चलो चलते हैं उसे लेने। देखो सामने पड़ा है, उसे लेके आते हैं। यमदूतों को देखकर अजामिल के प्राण अपने पुत्र को याद करते हुए छूट गए। वह इतना डर गया कि उसकी सांसें रुक गईं। यमदूतों ने उसे अपने पाश में बांधा और उसकी आत्मा को उसके सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर खींचने लगे। निकल पापी, जल्दी निकल। जब यह घटना हो रही थी उसी समय चार दिव्य चार हाथों वाले पुरुष प्रकट हुए और उन्होंने आकर उसे रोका और कहा, रुक जाओ। जब भय दिखाया तो वहां से यमदूत भाग खड़े हुए। चलो चलो, हमें अपने बच्चे प्यारे भागो। उसके बाद यमदूतों ने अजामिल को प्रेम से उठाया और साइड हो जाइए, बीच से साइड हो जाइए। ये लो अजामिल तुम हरिद्वार में जाके हरे कृष्ण का जाप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम्हारे सारे पाप खत्म हो चुके हैं, परंतु तुम्हें भगवान से प्रेम नहीं हुआ। दूसरे यम विष्णु दूत ने बताया कि तुम्हारे पाप तो इस नाम से खत्म हुए, परंतु तुम्हें अभी भी भगवत प्रेम नहीं हुआ है। तुम 12 साल हरिद्वार रहकर वहाँ भगवान का नाम लो, तब तुम्हें प्रेम प्राप्त होगा। हम तुम्हें जल्द ही लेने आएंगे। हम आकर तुम्हें वैकुंठ ले जाएंगे। चिंता मत करो अजामिल, विष्णु दूत का यह आश्वासन सुनकर अजामिल अति प्रसन्न हुआ और वह हंसता हुआ हरिद्वार चला गया। जो आपकी आज्ञा प्रभु। इधर यमदूत अपनी जान बचाते हुए भागकर यमलोक पहुंचे और वहां पर यमराज के समक्ष जाके जोर से कहने लगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्या हुआ यमदूतों? क्या आप ही इधर के राजा हैं? क्या आपसे
भी बढ़कर कोई है? हाँ, मैं ही इधर का राजा हूँ। क्या आप सच बोल रहे हैं? हाँ, इस संसार के हर व्यक्ति की मृत्यु मेरे हाथ में है। पर जब हम उस पापी व्यक्ति अजामिल को लेने गए तो चार सौंदर्यवान पुरुष आके कहने लगे कि इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। कैसे? वो कहने लगे कि इन्होंने हमारे प्रभु का चार बारी नाम लिया है। क्या है उनके प्रभु का नाम? नारायण नारायण। ओहो हो, ये तो हमसे घोर अपराध हो गया। क्या हुआ महाराज? नारायण नारायण नारायण। कहने से तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ, ये सही हुआ कि उसे विष्णुदूत ले गए, क्योंकि उसके सारे पाप नारायण कहने से नष्ट हो गए हैं। इसके बाद यमदूतों ने यमराज से एक प्रश्न पूछा। महाराज, आप हमें बताइए किसको यहाँ लाना है और किसको नहीं लाना। तो सुनो यमदूतों, जो व्यक्ति भगवान की प्रतिदिन पूजा करता है उन्हें यहाँ नहीं लाना। जो व्यक्ति माथे में भगवान का तिलक लगाता है उन्हें यहाँ नहीं लाना। जो व्यक्ति गले में तुलसी की माला पहनता है उन्हें यहाँ नहीं लाना। महाराज, अब ये बताइए कि किसको यहाँ लाना है। जो व्यक्ति शराब पीता है, जुआ खेलता है और भगवान की पूजा नहीं करता उन्हें यहाँ मार मार कर लाना है। जो आ गया महाराज जी। हाँ महाराज, हमको ये समझ आ गया। आपने कहा कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करता है उसे हम नहीं लाएंगे। और बाकी सब हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इनका उत्साह पसंद आया होगा, तो इनके उत्साह को थोड़ा बढ़ाइए। धन्यवाद। और अब सब बच्चे एक एक करके अपना नाम बताएंगे और वो कौन सी क्लास में करते हैं और उन्होंने क्या रोल किया है वह भी बताएंगे। सबसे पहले नारद मुनि, एक एक करके। मेरा नाम ध्रुव है, मैं फिफ्थ क्लास में पढ़ता हूँ। मैं नारद मुनि का रोल किया है। नेक्स्ट जाओ। मेरा नाम दीप्ति मकर है, मैं क्लास 6 सी में पढ़ती हूँ। मैंने अजामिल पत्नी का रोल किया है। धन्यवाद। कृपया तालियों में कंजूसी ना करें। मेरा नाम अनुष्का है, मैं क्लास 16 में पढ़ती हूँ। मैंने सोसाइटी गर्ल का रोल किया। ठीक है, ये छोटा जामिल है। ठीक, छोटा जामिल नीचे आ जाओ। हरे कृष्ण। ठीक है, तालियां। मेरा नाम कुशावड़ा है और मैं 2A में पढ़ता हूँ। थैंक यू। मैंने नारायण की रोल। मेरा नाम सार्थक है, मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा विष्णु दूत का रोल है। मेरा नाम मनन है, मैं 6th क्लास में तत्पर है। यह सेवा का स्वभाव जीव आत्मा का धर्म है। यह कहानी भी एक ऐसे महान व्यक्ति की है जो सबसे महान व्यक्ति की सेवा करने की इच्छा रखता है। तो आइए अब हम सब देखें कि जीव आत्मा का सफर इसे कहाँ ले जाता है।
करता हूँ दोस्त जो सदा मेरे साथ हो मेरे संग हो पास हो मेरा हमराज हो ढूंढता हूँ दोस्त वो सदा मेरे पास हो मेरे संग हो साथ हो मेरा हमराज हो कोई तो हो सबसे पहले देखे ये है हमारे सेठ गेंडामल जी करते तो है पूजा मगर ध्यान में है दूजा ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे मुझको एक मर्सिडीज दिला दे तो तुझको मानू स्वामी तो तुझको मानू मुझको एक सुंदर सा बंगला मुझको एक सुंदर सा बंगला बनवा दे तू मानू ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे मुझको एक बंगला बना दे मुझको एक बंगला बनवा दे तो तुझको मानू ओम जय जगदीश हरे मेरी बीवी को एक सुंदर सी सिल्क की कांजीवरम की साड़ी दिला स्वामी कांजीवरम साड़ी दिला मेरे बच्चों को हावड़ मेरे बच्चों को हावड़ में पढ़वा दे रे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे हे प्रभु सब मांगे पूरी का ओम जय जगदीश हे नमस्ते सेठ जी नमस्ते बहन जी आपके लिए बड़ी अच्छी किस्म का घिया लाया हूँ ये लीजिए ये देखिए जरा अच्छा लेकिन पिछले हफ्ते तो बहुत ताजा बिल्कुल ताजा है बहन जी बोलो कितना लेंगे की 4 किलो नहीं नहीं मुझे तो सिर्फ आधा किलो चाहिए क्या बहन जी आप भी
आप सिर्फ चार, आपके लिए तो लाया था 4 किलो। चलो मैं बच्चों के लिए कुछ फल और मिठाइयाँ भी पैक कर देता हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। माफ कीजिएगा सर। हाँ, क्या बात है, जल्दी बोल। सर, मैं सबसे महान की सेवा करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? अरे भाई, तुम अपने आप ही देख सकते हो, शहर के सभी लोग मेरे पास ही तो आते हैं, और अगर इनको खाने का सामान ना दूं, ये सब भूखे मर जाएंगे। और और यहाँ तक के बड़े बड़े सन्यासी जो कि भगवान पर पूरी तरह से निर्भर है, वे भी यहीं आते हैं। अब तुम खुद ही सोच सकते हो कि तुम्हें मेरे पास ही रहने में तुम्हारा लाभ है। जी मालिक। अच्छा, एक काम करो, ये झाड़ू उठाओ और जरा फर्श की सफाई शुरू कर दो। अच्छा एक काम करो, ए चटांग जरा आगे से भी कर दो थोड़ा सा। जरा अच्छी तरह करो। अच्छा छोड़ो छोड़ो, इसको रखो। और ये आलू की बोरी कहाँ गई? अरे यार, ये आलू की बोरी, इसको उठाओ और इसको वहां ले जाओ। अरे उठाओ इसको, जरा वहां मत रखो, इसको वहां ले जाओ, उस कोने में जरा रखो, जल्दी करो। अरे क्या कर रहे हो भैया, इसे उठाओ, इसको वापस यही रख दो, जल्दी करो। ओ इडियट, मेरे पैर पर नहीं। क्या करते हो तुम, चलो। अब आए हैं बिल्लू टैक्स कलेक्टर जी, देखें ये क्या हाल करते हैं गेंदामल जी का। और भाई गेंदामल साहब, क्या हाल है तुम्हारा? तुम जैसे दोस्तों से ही तो हमारा बिजनेस खूब चल रहा है। क्या हुआ मालिक? सरकार आजकल बहुत मंदा चल रहा है सरकार, पैसा कमाना तो बहुत ही कठिन हो गया सरकार। अच्छा लाओ लाओ जरा अपनी डेली कैशबुक तो दिखाओ। अभी दिखाता हूँ सर, अभी दिखाता हूँ सरकार। गेंदामल जल्दी करो। भला इतना समय क्यों लग रहा है तुम्हें? ये लीजिए सरकार। यहाँ तो बहुत गड़बड़ लग रही है, देखो ऐसा क्यों? देखो तो सरकार, नहीं नहीं सरकार, इसको जरा दोबारा देखिए सरकार, सरकार इसको दोबारा देखिए सरकार, ले लीजिए सरकार, सरकार दोबारा देखिए सरकार। चलो ठीक है, केवल तुमने सरकार को 2 लाख देने थे, बट 50,000 ही दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ए चटांग, जल्दी से पैसे की थैली ला और दे सरकार को। जी हाँ मालिक, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। आपने तो कहा था कि आप ही सबसे महान है, पर मैं तो देख रहा हूँ कि आप इनसे कितना डर रहे हैं। मैं तो केवल एक महान व्यक्ति की सेवा करूँगा। प्लीज सर, मैं एक महान व्यक्ति की सेवा करना चाहता हूँ। हाँ तो मैं ही तो हूँ महान व्यक्ति। इस दुनिया में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता है जिसका फल उसे मिलता है, पर चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, उसे मेरे पास आना ही पड़ता है, मेरा कहना मानना ही पड़ता है, मुझे पैसा देना ही पड़ता है, और अगर वो मुझे पैसा नहीं देता तो उसे सीधा जेल पहुँचा देता हूँ। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरी सेवा में लग जाओ। जी मालिक। ये जरा बैग उठा लो और चलो मेरे साथ। मेरे बहुत काम का आदमी सरकार। अच्छा तुम ये रखो रखो। ठीक है सरकार।
छिड़का ये मनी बैग गवर्नर साहब के चरणों में रख दे। आहा, तो आखिरकार तुम उस मोटे से पैसे निकलवा ही लाए, शाबाश, बहुत अच्छे। चलो अब तुम जाओ, जाके कोई और काम करो। बट सर, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। अरे ओ बिल्लू, इधर आओ। ये किस छटांग को पकड़ के लाए हो? बट सर, मैंने इसे काफी सस्ते में खरीदा है। जी हाँ सर, मैं एक महान व्यक्ति की सेवा करना चाहता हूँ और बार बार मुझे धोखेबाज लोग मिलते हैं। इस आदमी ने भी मेरे साथ छल किया है कि यही सबसे महान है। हाउ फुलिश, बिल्लू और एक महान व्यक्ति। अरे ओ मूर्ख, क्या तुम्हें पता नहीं कि ऐसे सिर्फ मेरा नौकर है और इसके जैसे मेरे पास कई है। ये तो सिर्फ टैक्स कलेक्ट करता है जो मैं इम्पोज करता हूँ, और जो मुझे टैक्स नहीं देता मैं उसे जेल में भिजवा देता हूँ। बिल्लू जंप जंप, देखा? तो तुम बताओ, क्या तुम मेरी सेवा करोगी? जी मालिक। तुम्हारी बुद्धि की दाद देनी पड़ेगी, शाबाश। चलो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। अरे ओ बिल्लू, अब तुम यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाओ, और तुम फिर आओ, मेरे जूते चमकाओ। अब जरा मेरे बाल बनाओ, अब मेरी शर्ट ठीक करो, शर्ट ठीक करो, और चलो हमें राजा से मिलने जाना है। हेलो हेलो, बंद करेगा, यही तुम्हें बताएगा तुम्हारे लिए कौन सी सेवा उपयुक्त है। इस समय महाराज ऊपर में अपने गुरु महाराज से मिलने जाते हैं, वे बहुत ही पहुंचे हुए संत हैं। इस समय हम में से कोई भी उन्हें परेशान नहीं कर सकता। कौन है? ये कहाँ जा रहे हैं महाराज आधिराज? क्या इनके ऊपर भी है कोई ताजदार? मुझे जानना है इस बार, तो मैं भी सुनूंगा छुप कर महाराज की हर बात। नाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। आओ राजन, कहो कैसे हो? क्या तुम्हारे राज्य में सब कुशल है? क्या सारे लोग खुश हैं? तथा क्या तुम उनका ध्यान रख पा रहे हो? क्या तुम्हारे राज्य में वर्ण और आश्रम का पालन ठीक तरह से हो रहा है? गुरुदेव, आपकी कृपा से राज्य में सुख शांति है, सब कुछ आपकी आज्ञा के अनुसार हो रहा है। मैं तो केवल आपका दास हूँ, असल में आप इस पूरे राज्य के पालक हैं। कृपया करके मुझे बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नहीं नहीं, तो आप वे महान पुरुष नहीं हैं जिनकी मुझे तलाश है। मुझे फिर धोखा मिला है। मुझे तो लगता है कि ये संत पुरुष ही सबसे महान है। क्या मेरी ये खोज कभी खत्म नहीं होगी? एक महान पुरुष और सबका मालिक बनने के लिए एक पुरुष को सबसे ज्यादा बलवान, सबसे ज्यादा धनवान, ऐश्वर्यपूर्ण और असीम शौर्यवान होना जरूरी है। और मैं ऐसे ही एक व्यक्ति को जानता हूँ जिनमें यह सारे ही गुण बहुत ज्यादा है। हे गुरु महाराज, मैं ऐसे ही एक व्यक्ति की तलाश में हूँ, प्लीज मुझे उनके बारे में बताइए। मैं ऐसे अद्भुत व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे उनके पास ले चलिए। चलो मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँ जहाँ वे रहते हैं। चलिए गुरुदेव,
मेरा वो दोस्त ऐसा लगे जिसके समान तू जाना कोई। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। गोविंदम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। 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 वेनुम क्वानन्तमरविन्दालयथाक्षं प्रभावतं समस्थितं बुधसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीया विशेषशोभा। गोविन्दम् आदिपुरुषं तम अहम भजामि। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। गोविंदम तलाश में हूँ, पर बार बार मैं यही देखता हूँ कि उससे भी ऊपर कोई है। यहाँ तक कि हमारे राज्य के महाराज भी आप ही की आज्ञा मानते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या आप ही वे महान पुरुष हैं जिनकी मुझे तलाश है? मैं किसी का मालिक नहीं, मैं तुम्हारी ही तरह एक साधारण दास हूँ जो प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में रत हूँ। श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, ना तो कोई उनके ऊपर है ना ही कोई उनके बराबर। सब कुछ उन्हीं से उद्गम होता है और उन्हीं में समा जाता है। हे गुरु महाराज, मैं ऐसे ही भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, पर क्या मैं इस योग्य हूँ? क्या वो मेरी सेवा स्वीकार करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, बोलो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। इस महामंत्र का उच्चारण करके तुम प्रभु के प्रति अपना सुख प्रेम जागृत कर सकते हो। इस कार्य में कुछ समय जरूर लग सकता है, परंतु तुम भगवान का प्रेम अवश्य ही प्राप्त। धन्यवाद गुरुवर, मैं अवश्य ही महामंत्र का जाप शुरू करूंगा। आइए हम सभी गाते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा रामा रामा, हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा रामा रामा, हरे हरे। हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दाईने प्रहलाद लाद दाईने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शीलतंकानखालाए इतो नरसिंहाय परतो सभी लोग खड़े हो जाएं आरती हो रही नरसिंह भगवान की इतो नरसिंहाय परतो नरसिंहाय इतो नरसिंहाय परतो नरसिंहाय यतो यतो यामि ततो 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 नरसिंहाय बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा बहे नरसिंहा नरसिंह मदि शरण प्रपदे नरसिंह मदि शरण प्रपदे नरसिंह मदि शरण प्रपदे नरसिंह मदि शरण प्रपदे तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत सिंगा दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तब कर कमल भरे नखा अद्भुत सिंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत सिंगा दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तब कर कमल भरे नखा अद्भुत सिंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय
जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 नीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि सभी लोग झुककर प्रणाम कीजिए जय ओम विष्णुपाद परमहंस वैराग्याचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस वैराग्याचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन धाम की मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माए की जमुना माए की तुलसी महारानी की वृंदे देवी की विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की भक्तराज श्रीमण प्रह्लाद महाराज की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर हरि प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल ड्यूटीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग जय श्रील प्रभुपाद मेरा नाम है अर्जुन मल्होत्रा यहाँ मोतीनगर के पास मेरी कई मिले हैं इनफैक्ट पूरी दिल्ली में दिल्ली के बाहर इनफैक्ट इंडिया के बाहर आई गॉट सो मेनी मिल्स एवरीथिंग वेल्थ पोजीशन पावर सब कुछ है मेरे पास खुशियों को जेब में लेके घूमता हूँ मैं सेंसेक्स मेरे इशारे पे ऊपर जाता है और मेरे इशारे पे नीचे आता है मैं हूँ अर्जुन मल्होत्रा द नंबर वन बिजनेस टाइकून I am number one. I am the best. I am the enjoyer. I am the controller. I am Arjun Malhotra. आप एक मिनट. हाँ कॉल आया. I mean कॉल आई है. कृष्णा को बोलो वहाँ से. हाँ हेलो मैं बोल रहा हूँ. हाय अर्जुन तुम कैसे हो? कहो कैसे याद किया? हेलो हाँ क्या बोल रहे हो तुम क्या कहीं से दो हेलीकॉप्टर आए और सब कुछ बर्बाद कर दिया कम ऑन यू फूल सिक्योरिटी आ गई थी वहां पर डैम इट सब कुछ खत्म हो गया मैं कमिश्नर साहब को फोन लगाता हूँ या हेलो कमिश्नर साहब हाँ मैं बोल रहा हूँ अर्जुन मल्होत्रा हाँ वही नंबर वन बिजनेस टाइकून सब पता नहीं सर कहीं से कोई हेलीकॉप्टर आया उन्होंने उन्होंने मेरी मेन इंडस्ट्री को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया आई एम फिनिश्ड आई एम नोवेयर प्लीज डू समथिंग हाँ प्लीज कुछ करिए सब कुछ खत्म हो गया लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड प्रीति तो मेरे साथ है हाँ प्रीति को फोन लगाता हूँ संसार के चक्रव्यूह में फंसा हुआ अर्जुन अब करेगा भी तो क्या हाँ हेलो प्रीति हाँ मैं बोल रहा हूँ अर्जुन हाय अर्जुन तुम कैसे हो कहो कैसे याद किया यार प्रीति एक्चुअली क्या बताऊं सब खत्म हो गया सब कुछ खत्म हो गया सब खत्म हो गया क्या हुआ अर्जुन वेल आई डोंट नो पता नहीं कहां से कुछ लोग आए और मेरी सारी फैक्ट्री में आग लगा दी यू नो एंड नाउ आई एम नोवेयर आई एम फिनिश्ड लेकिन एक तसल्ली कम से कम तुम तो मेरी जिंदगी में हो ओह सो सैड या Well, Arjun, I want to say that I'm going around with Dhananjay Singhania. Yeah.
तुम धनंजय सिंघानी के साथ? My God, what? Yeah, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं, पावर नहीं, पोजीशन नहीं, तो तुम्हारे साथ रहकर अपनी लाइफ खराब नहीं कर सकती। Come on, प्रीति, मैंने अपनी प्रीति तुम में लगाई, लेकिन तुमने अपनी प्रीति मेरे धन में लगाई, और तुम अब अपनी प्रीति धनंजय सिंघाने के धन में लगा रही हो? How can you do that? ओ धनंजय, ओ अर्जुन, बहुत तरस आ रहा है तुम पर। अर्जुन, now don't waste my time and get lost. प्रीति, इसे संसार कहते हैं पार्क। तब समझोगे कि संसार का चक्रव्यूह कितना भयंकर होता है। अर्जुन की समस्या कृष्ण की चिंता है। महाभारत के इतिहास में भी एक अर्जुन था, कलयुग में भी एक अर्जुन है। सारथी तो मैं तब भी था, आज भी हूं। रथ लेके चलाना मेरा कर्तव्य है। जहां ये कहेंगे वहां जाकर रथ को रख दूंगा। Well, excuse me. Who are you? Hey, security guards. ये व्यक्ति अंदर कैसे आया? सो रहे security, चैन की नींद सो रहे। Security सो रही है? माया की गोद में तो हर कोई सोता है। Well, okay. Peacock feather flute. You are Krishna. Oh, you are a Hindu god. Oh my God. Yes, I am your God. Your eternal companion and ever well-wisher. Excuse me. आप हिंदुओं के भगवान हैं? आप how can you speak English? वहां चांद को देख रहे हो? हाँ। क्या ये चांद किसी धर्म से लागू होता है? नहीं। तो जब ये किसी धर्म से लागू नहीं होता, इनको बनाने वाला भला किसी धर्म से कैसे लागू हो सकता है पार? और वैसे देखा जाए तो मैं केवल हिंदुओं का नाथ नहीं हूं, ये सारा संसार मुझे जगन्नाथ के नाम से जानता है। नामों में क्या रखा है अर्जुन? नाम तो केवल एक पुकारने का साधन होता है, किंतु जब मुझे ये लगता है कि कोई मुझे पुकार रहा हो तो उसकी पुकार में कभी नहीं डालता। जगत जगत जगन्नाथ, यू सेड दैट मींस जगत के नाथ, द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ओह, तो यानी आप सिर्फ हिंदुओं के नाथ नहीं, आप पूरी सृष्टि के नाथ हैं। ओके, सो दैट मींस यू आर गॉड। लेकिन भगवान, यू नो, मैंने अपनी लाइफ में बहुत इंटरव्यूज दिए हैं। हां, इतना संघर्ष किया। अच्छा? कितनी मेहनत की मैंने, गधे की तरह दिन रात लगा रहा, और आज पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। ओह भगवान, आज मैं आपका इंटरव्यू लूंगा भगवान। अरे वाह, पुत्र होकर पिता से परिचय पूछेगा? लेकिन भगवान, आई जस्ट वांट टू आस्क कि भला ये दुख क्यों भगवान? इस संसार में हम लोग खुश रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी दुख आता है भगवान। क्यों? व्हाई? और क्यों ऐसा आप करते हो कि आपकी वजह से हम लोग दुखी रहते हैं इस संसार में? व्हाई डोंट यू मेक अस हैप्पी? महाभारत के इतिहास में भी गांधारी ने सारा दोषारोपण मेरे पे ही लगाया था। क्यों? यहां अर्जुन भी यही पूछ रहा है, क्यों? देखो पार्थ, जीवात्मा अपने कर्म के अनुसार इस संसार के फल को भुगतते हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। यूं समझो, एक बालक को ले लो। बालक जब गलत कार्य को करता है तो माता पिता उसको दंडित करते हैं। जब वो दंडित करते हैं तो क्या वो सुखी होते हैं? नहीं। तो उसी प्रकार से जब जीवात्मा संसार के कष्ट को भुगतता है तब दुख तो मुझे भी होता है पार्थ। पर करूं क्या, मैंने तो उनके सामने विकल्प रखा हुआ है, भक्ति करनी हो तो करो, नहीं करनी हो तो ना करो। ओ, यानी कि हम जो कार्य करते हैं उन कर्मों का फल की वजह से हम दुख भोगते हैं। हाँ। ओ, मुझको लगता था आपकी वजह से हमें दुख मिलते हैं। गांधारी ने भी यही कहा था कि मेरी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ, किंतु कोई ये समझ नहीं पाया कि ये इसका कारण दुर्योधन की महत्वाकांक्षा थी। अच्छा भगवान, तो ठीक है, हम अगर बुरे काम करते हैं तो हमें करने दो ना। ठीक है, अगर मैं मांस खाना चाहता हूँ, अगर मैं अगर स्त्री व्यभिचार करना चाहता हूँ, या किसी भी तरह का चरित्र विहीन कार्य करना चाहता हूँ तो करने दो ना, मतलब इसमें बुराई क्या है? सुन लिया? अगर मैं आपकी भक्ति नहीं करता तो नहीं करता। What's wrong?
एक मछली जल में रहती है तो काफी सुखी रहती है पार्थ। हाँ, that's true. किंतु जब जल से बाहर आती है तब तड़प कर मृत्यु को प्राप्त होती है। Oh, yes. उसी प्रकार से जब भक्ति करोगे तो सुखी रहोगे और नहीं करोगे तो संसार की दलदल में फंसे रहोगे, जैसे आज चक्रव्यूह में फंसा हुआ अर्जुन। Oh, I see. अच्छा, यानी कि मछली जिस तरह से पानी में स्वाभाविक रूप से खुश रहती है, उसी तरह से जब जीव आपकी सेवा में लगता है तो वो नेचुरली खुश रहता है। हाँ। Yeah, that's quite true. अगर मैं मछली को बाहर निकाल के उसे पिज्जा बर्गर या $1,000 भी दूं तो भी वो खुश नहीं रहेगी, वो पानी में नेचुरली खुश रहेगी। Oh, I see. पर यू नो भगवान, अगर अगर हम गलत काम करते हैं तो भगवान आप हमको गलत काम करने से रोक क्यों नहीं लेते? यू नो यू आर सुप्रीम कंट्रोलर, तो आप चाहे तो उनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप हमको बुरे काम करने क्यों देते हैं भगवान? सब कुछ मेरे कंधे पे थोपे जा रहा है, कर्म करेगा और बाद में फल की इच्छा मेरे से मांगेगा। देखो अर्जुन, मैंने एक जीवात्मा को पूरी स्वतंत्रता दी है, जो करना है करो, और जब मैं स्वतंत्रता देता हूं तो उसके आड़े भी कभी नहीं आते। दी स्वतंत्रता के आड़े में इसीलिए नहीं आता क्योंकि अगर मैं स्वतंत्रता के आड़े आ जाऊं तो तुम में और एक जड़ पदार्थ में क्या अंतर रहेगा? Oh, yes. Well, that's quite true. जैसे कि ये मेरा ये सेल फोन। हाँ, अगर क्योंकि इसके पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, इट हैज नो चॉइस टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही गलत के बीच में चुनाव नहीं कर सकता बिकॉज इट इज डेड। और मैं क्योंकि जीवित वस्तु हूं इसीलिए मेरे पास विकल्प होना चाहिए कि सही और गलत में से मैं चूज कर सकूं। ओके, तो यानी कि आपने हमको ये स्वतंत्रता दी है कि हम उसका सही इस्तेमाल करें या गलत इस्तेमाल करें। सही इस्तेमाल करते हैं तो हम सही रास्ते पे रहते हैं और गलत इस्तेमाल करते हैं तो गलत रास्ते पे। हाँ, ओके ओके, नाउ आई एम गेटिंग। भाई भगवान, आपने हमको ये फ्री विल दी क्यों? अगर आप हमको ये फ्री विल या स्वतंत्रता नहीं देते तो हम इसका मिसयूज नहीं करते। अगर हम इसका मिसयूज नहीं करते तो हम पाप कर्म नहीं करते। अगर हम पाप कर्म नहीं करते तो पाप कर्मों के फल यानी दुखों को भोगना नहीं पड़ता। तो भगवान, ओरिजिनली आपने हमको ये फ्री विल क्यों दी भगवान? देखो, बैठो। जहां प्रेम की बात उठती है वहां कार्य स्वेच्छा से होता है, जबरदस्ती से नहीं होता, और जहां भक्ति है वहां प्रेम का होना आवश्यक है। तो मैं किसी के स्वतंत्रता आड़े आ ही कैसे सकता हूं? तो वहां प्रेम से कार्य होता है, जबरदस्ती से संसार में कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि प्रेम जगत का सार है पार्थ। दैट्स ट्रू, जहां प्रेम की बात आए वहां पर स्वतंत्रता होनी चाहिए। जस्ट लाइक मेरी गर्लफ्रेंड प्रीति, उसको मैंने स्वतंत्रता दी टू लव मी और लीव मी, उसने मुझे छोड़ दिया। क्या? तो जहां प्रेम की बात होगी वहां पर फ्री विल हैज टू बी देयर। आई मस्ट से गॉड, यू आर वेरी लॉजिकल, यू आर सो इंटेलिजेंट, दैट्स व्हाई यू आर गॉड। पर यू नो भगवान, मेरा ओरिजिनल, मेरा जो पहला सवाल था वो तो वैसे का वैसा ही है कि मैं इस संसार में दुख पा रहा हूं, तो भगवान कोई तरीका तो होना चाहिए कि इस भौतिक संसार में रहते हुए भी मैं दुखों से बच के रहूं। Somehow I want to be happy. क्या कोई तरीका नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे कि मैं खुश रह सकूं भगवान? वो तो मैंने द्वापर युग में दे दिया है अर्जुन, कब समझोगे, कब उसका अध्ययन करोगे? महाभारत के इतिहास में जब अर्जुन कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर खड़ा था तो इसी भांति प्रश्न पूछ रहा था जैसे आज तुम पूछ रहे हो, और तब मैंने उसको भगवद गीता सुनाई, और ये भगवत गीता के सिद्धांतों को जब कोई अपने जीवन में उतारता है वो सारे कलमशों से मुक्त हो जाता है। ओ, भगवत गीता। Oh, I see. So you want to say कि ये भगवत गीता जो है, it's like a manual of life. जिस तरह से मैं कोई गैजेट लेके आता हूँ जैसे मिक्सर ग्राइंडर या कोई VCR TV, तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है। अगर मैं उस मैनुअल का इस्तेमाल ना करूं then I'll crash the gadget. तो उसी तरह से आपने हमारे जीवन को चलाने के लिए एक मैनुअल दिया है, भगवत गीता। If you don't use it, then you will crash the gadget. That is our life. Oh, I see. But you know, भगवान, ये तो भगवत गीता, ये तो महाभारत जैसा है, you know, जिसमें लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ हुई थी। अगर मैं भगवत गीता अपने घर में लेके आऊंगा तो मेरे घर में भी तो लड़ाइयाँ होंगी ना, तो मैं भगवत गीता क्यों पढ़ूं भगवान? Why? ये ऐसे बोल रहा है जैसे कि इसके घर में लड़ाई हुई नहीं। लड़ाइयाँ तो बहुत होती हैं। प्रीति के साथ तुम्हारा क्या हुआ था पार्थ?
आज महाभारत और कुरुक्षेत्र तो हर एक के घर में हो रहा है। पति को यदि चाय और अखबार सुबह ना मिले और पत्नी को मन चाही साड़ी ना मिले तो दोनों पति पत्नी अपने रथ पर सवार हो जाते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता उत्सव, पर मैं वहां किसी के पास उपस्थित नहीं रहता। गीता नहीं है तभी भी लड़ाइयां हो रही हैं। किंतु मान लो अगर कोई गीता के सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को व्यापन करने का प्रयास करता है तो लड़ाई नहीं होगी। जैसे कि अंगूठी, इस अंगूठी की शोभा है इसके मणि, तो उसी प्रकार से महाभारत अंगूठी के समान है और इसमें जड़ा हुआ जो मणि है वो है भगवत गीता जो उसकी शोभा बढ़ाती है। पर यू नो भगवान, ये भगवत गीता ये तो मतलब बूढ़ों के पढ़नी चाहिए ना। यू नो आफ्टर रिटायरमेंट जब मुंह में दांत नहीं होते, पेट में आंत नहीं होती, देन वी शुड स्टार्ट रीडिंग इट। अभी तो मैं जवान हूं, यंग हूं, हैंडसम हूं, अभी तो मेरा टाइम है एंजॉय करने का। भगवान बूढ़े होके पढ़ूंगा ना मैं, अभी थोड़ी पढ़ूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, भगवत गीता को सुनाने वाला मैं, सुनने वाला अर्जुन, यस, अब हम दोनों में से कौन बूढ़ा है? वेल आप दोनों ही बहुत ही यूथफुल हो, हैंडसम हो, डैशिंग हो, आप दोनों में से तो कोई बूढ़ा नहीं है। वेरी ट्रू। पर भगवान एक 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 सवाल और आता है कि व्हाई, मतलब ये जो भगवत गीता है ये तो ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए, मैं तो गृहस्थ, तो क्या गृहस्थों को पढ़नी चाहिए क्या भगवत गीता? ये तो ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए, इज इट नॉट? अर्जुन क्या ब्रह्मचारी था? नहीं भगवान, वो तो चार पत्नियों का स्वामी था। ओ यस, तो इससे क्या सिद्ध होता है? चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, भगवत गीता प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए। अगर ऐसी बात नहीं होती तो जिस दिन तुम्हारे मुंह में दांत न हो, पेट में आंत न हो, तब क्यों नहीं गए प्रीति के पास गुलाब का फूल लेकर? ओह माय गॉड, तब तो साक्षात सुंदरता की प्रतिमूर्ति लगते। ऐसे भगवान ऑनेस्टली बताऊं, मेरे पास बहाने बहुत हैं, मेरे पास सिर्फ बहाने हैं भगवान, बहानों पे बहाने सिर्फ बहाने हैं कि मैं किस तरह से आपकी शरण में ना जाऊं। सो तो मैं पहले से ही देख रहा हूं। या लेकिन भगवान आज भगवत गीता के कितने सारे एडिशन मार्केट में, भगवत गीता एज आई अंडरस्टूड, भगवत गीता एज आई मिसअंडरस्टूड, भगवत गीता एज आई रियलाइज, भगवत गीता एज आई मिसरियलाइज, भगवत गीता ओवरहेड ट्रांसमिशन, भगवत गीता सोर्स ऑफ रॉयल्टी, भगवत गीता चना मसाला, धनिया मसाला, मेरा मसाला, तुम्हारा मसाला, हम सबका मसाला। लेकिन भगवान भगवत गीता यथा रूप, भगवत गीता एज इट इज अगर कहीं मिल जाना भगवान, मैं प्रॉमिस करता हूँ भगवान, मैं जरूर पढ़ूंगा वो भगवत गीता जैसी आपने 5000 साल पहले बोली थी, वो वैसी की वैसी अगर आज मुझे मिल जाए भगवान, आई प्रॉमिस मैं भगवत गीता जरूर जरूर पढ़ूंगा भगवान, लेकिन एज इट इज मिले भगवान यथा रूप कहां से मिल सकती है? तो एक काम कर, यहाँ दिल्ली में एक अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की संस्था है। मेरे भक्तों की श्रृंखला में एक महान भक्त होकर गए जिसे सारा संसार भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के नाम से जानता है। जीवन के 70 वर्ष की आयु में उन्होंने पाश्चात्य देश जाकर मलेच्छों को ब्राह्मण बनाया। प्रत्येक जीवात्मा को कृष्ण तत्व से अवगत करते हुए उसे मेरे पास लाने का प्रयास किया और आज स्वयं मैं उनका ऋणी हूं। तुम एक काम करो, तुम उस संस्था में क्यों नहीं जाते? वहां जाओ, वहां कर्तु महाराज मिलेंगे, दीनानायक प्रभु मिलेंगे, श्याम सुंदर प्रभु मिलेंगे, ये सब धुरंधर भक्त हैं और कृष्ण तत्व के ज्ञान से परिपक्व है। इनके सानिध्य में बैठो, इनसे पूछो कि भगवत गीता मुझे कहां मिलेगी। यदि साधु संतों के सानिध्य में बैठते अर्जुन, तो आज तुम्हारे जीवन की यह दशा नहीं होती। हाँ भगवान बात तो सही है, क्योंकि मैं हमेशा सही बोलता हूं। भगवान अब मेरे सारे संशय दूर हो चुके हैं भगवान, अब भगवान मैं अब आपकी शरण में आना चाहता हूं भगवान। भगवान बस एक आखिरी रिक्वेस्ट है, आप बस एक बार मुझको आपके गले लगा लीजिए भगवान, प्लीज भगवान। अरे अरे अरे, यहाँ कहीं किसी कुर्सी पर कहीं कोने में प्रीति बैठी होगी तो डंडे लेकर दौड़ेगी, तब क्या करोगे अर्जुन? वैसे ही चक्रव्यूह में फंसे हुए सोच समझ के बोला करो, स्थान प्रसंग स्थिति परिस्थिति देखकर बोलो, गले मिलना है। भगवान
भगवान, उस प्रीति में मेरी प्रीति जो थी वो मेरा एक इतिहास है। अब मेरा प्रेजेंट भी आप हैं और मेरा फ्यूचर भी आप हैं भगवान, और मेरी सारी प्रीति आप में। और जहां तक बात रहेगी प्रीति डंडा लेके भागेगी, अगर वो फूलों का गुलदस्ता लेके भी आएगी ना भगवान, तो मैं उसे फूलों का गुलदस्ता ले लूंगा आपके चरणों में अर्पित करने के लिए, और उसे बोलूंगा दंडवत प्रणाम माता जी। वाह भगवान, अब बस आपके गले लगा लीजिए भगवान, मैं बस आपके शरणागत होना चाहता हूँ भगवान। ये कथा केवल अर्जुन की नहीं है, ये कथा है मनुष्य मात्र की। प्रत्येक मानव यदि गीता के सिद्धांतों को पढ़ेगा, उसे समझेगा, उसे अपने जीवन में उतारेगा तो सदैव सुखी रहेगा। किंतु कोई व्यक्ति ऐसा करता नहीं, फिर मंदिर में आकर मुझे ही गालियां देता है कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया, भगवान आपने ऐसा क्यों नहीं किया। अरे मैं तो सबकी इच्छाओं को पूर्ण करता हूँ, किंतु पिता हूँ ना, ये भी जान कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या गलत है। तो जैसे माता पुत्र को वही देती है जो उसके लिए अच्छा होता है, जो उसके लिए अच्छा नहीं होता ये अबोधता के कारण वो पहचान नहीं पाता, उसी के अनुसार मैं जीवात्मा को वही देता हूँ जो उसके लिए योग्य हो। परंतु जीवात्मा स्थिति को नहीं समझता, जीवन जो है वो केवल दो दिनों का है, एक दिन तो बीत गया, बचा हुआ एक दिन जो है वो अब गीता भागवत का अध्ययन करो, महामंत्र का जप करो और अपने जीवन को मर्यादित होकर वैष्णवों के सानिध्य में निकालते हुए परम धाम की यात्रा करो। अब मैं चलूं, क्योंकि मुझे यहाँ से द्वारिकापुरी जाना है और द्वारिका का रास्ता बहुत लंबा है। वैसे भी दाऊ भैया को बिना बताए यहाँ आया था, क्योंकि मुझे पता था कि सांदीपनी मुनि यहाँ आए हुए हैं। अब गुरु के दर्शन करने के लिए तो मुझे दौड़ना ही पड़ा। पर एक बात अवश्य बताता हूँ कि अब मैं चाहता हूँ जैसे कि मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरे पास गोलोक में आ जाए, जहाँ आने के बाद फिर आपको इस संसार में ना आना पड़ेगा। और वहाँ आप कैसे आओगे ये सारी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। अब फिर कल उठकर ये मत बोलना कि मैं कुछ नहीं करता, जैसे अर्जुन पूछ रहा था। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare